इस एक्टर ने कहा कि इश्क में मर जाऊंगा की शूटिंग के दौरान इन्हें निया शर्मा से प्यार हो गया था। कौन है ये, आइए जानते हैं। ये एक टेलीविजन और बॉलीवुड एक्टर हैं, जो जम्मू एंड कश्मीर से हैं और जिन्होंने कई टेलीविजन शोज के साथ ही कुछ फिल्में भी की हैं। इन्होंने तुम बिन जाऊं कहा, हर घर कुछ कहता है, मायका, दो हंसों का जोड़ा, पुनर्विवाह, उड़ान, इश्क में मर जावा और मेरी गुड़िया जैसे कई शोज में काम किया है, जो है विनीत रायना। टेलीचक्कर इज बैक विद एन इंटरेस्टिंग अपडेट फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ टेलीविजन। We have been at the forefront of reporting updates about various celebrities, their personal lives, gossip related to them and much more. Well, Colors TV के show इश्क में मर जावा का पहला सीजन काफी सक्सेसफुल था। बहुत ही कम वक्त में दीप, आरोही और लक्ष्य यानी के एक्टर्स अर्जुन बिजलानी, अलीशा पनवर और विनीत रायना एक घरेलू नाम बन गए। इस शो को लोगों का बहुत प्यार मिला, लेकिन इस शो के ऑडियंस को तब शॉक लगा जब इस शो के मेकर्स ने निया शर्मा को प्लास्टिक सर्जरी के बाद न्यू आरोही के रूप में इंट्रोड्यूस किया। विनीत रायना यानी कि लक्ष्य ने शो से निया के साथ की एक सीन को पोस्ट किया है, जो कि निया की पहली सीन है। निया एंड विनीत इंडल्ज्ड इन सम क्यूट बैंटर ऑन इंस्टाग्राम रिलेटेड टू द सेम मोमेंट्स व्हिच विनीत मेड अ बिग रिवीलेशन। विनीत स्टेटेड दैट आफ्टर दैट पर्टिकुलर सीन He fell in love with Nia. The master of great comebacks, Nia took a funny jibe at the situation. Aren't they super cute? इश्क में मर जाऊंगा के फर्स्ट सीजन को बहुत पॉपुलैरिटी मिली और इस शो के मेकर्स उससे काफी एनकरेज हुए और फिर उन्होंने इसका दूसरा सीजन भी लाने का डिसाइड किया। इसके दूसरे सीजन इश्क में मर जावा 2 में हेलीशा, विशाल वशिष्ठ और राहुल सुधीर नजर आए। इन तीनों को अपने रोल्स के लिए लोगों का काफी प्यार मिला और इनकी केमिस्ट्री भी लोगों को पसंद आई। ये शो भी काफी सक्सेसफुल रहा और इस शो को लोगों ने काफी पसंद किया। द शो रिसेंटली गॉट डिजिटाइज्ड एंड विल नाउ स्ट्रीम एक्सक्लूसिवली ऑन वूट सेलेक्ट। आपका इस खबर पर क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा और ऐसे ही और मजेदार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल टेलीचक्कर। Know all about the Tele world by subscribing to Telechakkar's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.